और इस वक्त उत्तर प्रदेश के दादरी से ये बड़ी खबर, राहुल गांधी पहुंचे हैं दादरी, अखलाक के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, बिसाड़ा गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से बताया जा रहा है कि मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी दादरी पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल आज मुलाकात करने पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की है, उस दौरान उनका घेराव भी हुआ था। और इस वक्त राहुल गांधी बताया जा रहा है कि दादरी पहुंच चुके हैं, बिसाड़ा गांव में वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पूरा वाक्या था, उस वाक्य में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, एक मंदिर से लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किया गया था और उसके बाद भीड़ ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी थी पीट पीट कर। और ये मामला अब कहीं ज्यादा राजनीतिक होता चला जा रहा है, लगातार राजनीतिक दल के लोग नुमाइंदे पहुंच रहे हैं बिसाड़ा गांव। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राहुल, बताया जा रहा है कि अब राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं दादरी। बिल्कुल, राहुल गांधी 3:30 बजे यूपी की सीमा में घुस गए थे और अब तकरीबन 5 मिनट पहले दादरी पहुंच गए हैं और उस गांव में उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कल रविवार को एक बड़ी टीम जाएगी जिसमें मधुसूदन मिस्त्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री होंगे, आरपीएन सिंह होंगे, वो भी इलाके का मुआयना करेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और उससे पहले आज शाम राहुल गांधी का आना निश्चित तौर से ये दिखाने के लिए काफी है कि मामला सियासी रंग ले रहा है और बहुत तेजी से ले रहा है, क्योंकि आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव पहुंचे थे। जी बिल्कुल, तो राहुल कोई भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। एक तरफ जहां गांव वाले विरोध कर रहे थे, मीडिया का भी विरोध किया, राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का भी विरोध किया, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आज ये सिलसिला और ज्यादा चल पड़ा है। निश्चित तौर से अगर सुबह की बात करें सब कुछ सामान्य था, उसके बाद आज राहुल रहे हमारे साथ, रहे लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा काफिला राहुल गांधी का दादरी की तरफ बढ़ता हुआ और गांव की तरफ बढ़ता हुआ, बिसाड़ा गांव की तरफ बढ़ता हुआ राहुल गांधी का ये काफिला है। तमाम सुरक्षा और पूरे लाल लश्कर के साथ राहुल गांधी दादरी पहुंचे हैं, दादरी में एंटर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में बिसाड़ा गांव में पहुंचकर वो पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं दादरी और बिसाड़ा गांव पहुंचकर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपने तमाम साथियों के साथ बिसाड़ा गांव पहुंचे थे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आज ये सिलसिला कहीं आगे चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे और अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी दादरी पहुंच चुके हैं, उन्होंने अगला के परिजनों से वो मुलाकात करने वाले हैं। बिसाड़ा गांव पहुंचकर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपने पूरे लाल लश्कर के साथ, अपने दलबल के साथ पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। बिसाड़ा गांव दादरी पहुंचे हुए हैं और यानी कि सिलसिला या ये कहें कि राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का पहुंचना दादरी के बिसाड़ा गांव लगातार जारी है। आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, हालांकि उन्हें पुलिस ने रोका था, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर महेश शर्मा को क्यों जाने दिया गया, महेश शर्मा को क्यों नहीं रोका गया, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं रोका गया, उन्हें क्यों रोका गया है, ये सवाल उठा था अरविंद केजरीवाल के जरिए। लेकिन अब तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी बिसाड़ा गांव, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। बता दें आपको, यहां पर राहुल गांधी अपने पूरे लाल लश्कर के साथ, दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई और कांग्रेस के दूसरे युवा नेता मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ, पूरा जो युवा ब्रिगेड है वो मौजूद है और ये पूरा लाल लश्कर कई गाड़ियों का काफिला है जो दादरी के बिसाड़ा गांव पहुंचा हुआ है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष और बिसाड़ा गांव पहुंचकर वो मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। हालांकि गांव वाले लगातार विरोध करते रहे और आज सुबह उन्होंने मीडिया को भी बाहर खदेड़ दिया था और कई गाड़ियों पर हमला भी कर दिया था गांव वालों ने, महिलाओं ने पत्थरबाजी की थी मीडिया कर्मियों पर। इसके बाद राजनीतिज्ञों का भी विरोध किया था कि वो नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिज्ञ उनके गांव में आए, माहौल बिगाड़े, मीडिया कर्मी आए, माहौल बिगाड़े, यहां की खबर दिखाए, माहौल खराब हो, और इसी को लेकर विरोध किया गया था। और कल दरअसल रात को एक मीटिंग की गई थी, लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है इससे उलट तस्वीर दिख रही है। विरोध के बावजूद भी, गांव वालों के विरोध के बावजूद भी, राजनीतिज्ञ लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, वहां पर राजनीतिक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने की जुगत में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे, हालांकि उन्हें रोका गया, कुछ घंटे रेस्ट हाउस में रुके, इसके बाद वो पहुंचे पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लेकिन अब राहुल गांधी का काफिला पहुंचा हुआ है, कई गाड़ियों का ये काफिला है, लाल लश्कर के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचा हुआ है दादरी बिसाड़ा गांव, जहां पर वो कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या राहुल गांधी को भी प्रशासन ने वहां पर रोका, उन्हें जाने से रोका गया, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई। ये तस्वीर जरूर आप देख पा रहे हैं, जो पूरा काफिला है वो दादरी पहुंचा और
बिसाड़ा गांव बताया जा रहा है कि पहुंच चुका है और वहां पर कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवार से अकला के परिवार से मुलाकात करेंगे। दरअसल अकला के परिवार के एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि यहां अकला की मौत हो चुकी है और एक शख्स अभी भी, एक बेटा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो अकला की मौत हुई थी, इस पूरे मामले में एक जो बेटा है वो अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार पहले ही गुहार लगा चुका है कि उसे शांति से रहने दिया जाए, वो अब अपने परिवार का हाल ठीक करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, वो लगातार गांव में जा रहे हैं, गांव में डेरा डाल रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। दूसरी तरफ गांव वाले लगातार विरोध भी कर रहे हैं। इससे पहले मीडिया वालों से नाराजगी दिखाई थी गांव वालों ने और राजनीतिक दलों के लोगों को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल का घेराव भी किया गया था, अरविंद केजरीवाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब राहुल गांधी दादरी के बिसाड़ा गांव पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, अखलाक के परिवार से मुलाकात करेंगे। ये लाल लश्कर पूरा, कई गाड़ियों का जो काफिला है वो राहुल गांधी उस काफिले के साथ पहुंचे हैं, कई गाड़ियां उनके काफिले में हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कई और दूसरे नेता कांग्रेस के वो इस काफिले में मौजूद हैं।